यार छोटू जो है हमसे दूर भाग रहा है, न जाने क्यों। शायद ये गाय को चराने के लिए आया है। छोटू रुकिए, छोटू 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 भाग गया, देख सकते हैं देखिए आप। कितने खूबसूरत नजारा, शानदार। देखिए आसमान में बादल छाए जी हाँ हैं। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं आपको हमारे गांव के बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, यह खतरनाक रास्ते से हम जाते हुए इधर जो है छोटी सी नदी बह रही है, आप देख सकते हैं इधर। और दोस्तों देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हम चलते हैं आगे की ओर। यह देखिए, ये गांव के लोगों ने व्यवस्था की है चलने के लिए, ताकि इस पे से नाले को हम पार कर सकें और पैर हमारे नहीं भीगे। और देखिए जो गांव का हरियाली भरा मौसम, कितनी खूबसूरती है यहाँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना प्यारा मौसम यहाँ का। चारों तरफ हरियाली। और अब हमारे कदम आगे की ओर बढ़ते हुए, देखिए यह खजूर के जो पेड़ हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। चारों तरफ यह पेड़ काफी घने हैं। और अब हम जा रहे हैं आगे की ओर। दोस्तों ये जो है हमारे गांव के बाहर का नज़ारा, देखिए मेरे पीछे काफी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों। यह चारों तरफ हरा भरा हरियाली का मौसम है। यह खजूर के पेड़ जो है, जी हाँ दोस्तों, गांव से थोड़ी ही दूर बाहर निकले हैं हम, और काफी खूबसूरत इधर नज़ारा तो हमने मोबाइल से ही वीडियो शूट कर ली है। हमारे पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से ही हम लोग वीडियो शूट करते हैं। कितना शानदार व्यू, कितना सुहाना मौसम। देखिए क्या, देखिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आसमान में जो है बादल भी हैं थोड़े थोड़े। यह हमारे गांव के पास की नदी है, छोटी सी नदी जो है। इधर कुछ लोग हमको मिले हैं जो चरवाहे हैं, शायद अपनी गाय भैंसों के लिए चराने के लिए लाते हैं। यह नदी है छोटी सी गांव के पास में। यह छोटू जो है हमसे दूर भाग रहा है, न जाने क्यों। शायद ये गाय को चराने के लिए आया है। छोटू रुकिए, छोटू 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 भाग गया, देख सकते हैं आप। छोटू हमसे बात करना नहीं चाहता दोस्तों। देखिए मैं नदी के ऊपर जो है खड़ा हूँ, ढाई पर। यह देखिए दोस्तों, यह छोटी सी नदी जो है निकली है गांव के बगल से, और यह आगे जाके जो है सिंध नदी में जाकर मिलती है।